हाय एवरीवन वेलकम टू करन क्रंच आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज के वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं सो आई थॉट कि मैं इन क्वेश्चन का एक वीडियो ही बनाऊँ ताकि इन सारे क्वेश्चन का आंसर जो है एक वाइडर ऑडियंस तक पहुँचे एंड होपफुली ये जो वीडियो है ये आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तो डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड हम डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो पहला क्वेश्चन इसका जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स को भी डाउट रहता है कि वेन विल जे के एस एस बी एडवर्टीज न्यू पोस्ट ठीक है तो नई पोस्ट सब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है उस सारी चीज़ों से गवर्नमेंट फारिग हो जाए एक बार ही उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि नवंबर के मंथ में या एंडिंग नवंबर तक आपके जो पटवारी का एग्जाम है एंड आपका जो एन का एग्जाम है ठीक है एंड आपका पी जो है उनकी जो पोस्ट है उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएंगी ठीक है विद दिस बिंग सेट मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि एक बार ही नोटिफिकेशन आ जाए फिर आप लोगों को ज़्यादा टाइम उसके बाद नहीं मिलता है रीजन्स के एक बार ही नोटिफिकेशन आ जाए तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है फिर स्टूडेंट्स पे पैनिक हो जाते हो आप एंगजाइटी हो जाती है स्टूडेंट्स को वो पढ़ नहीं पाते ठीक से तो अभी जो ये वाला मंथ है ये वाला जो टाइम है जैसे अक्टूबर आने वाला है तो ये बेस्ट टाइम है आपकी प्रिपरेशन का अभी आप पे प्रेशर ज़्यादा बिल्ड नहीं हुआ है आपके पास टाइम है ठीक है तो इस टाइम को यूटिलाइज करें टाइम विल पास एनी वे एक मंथ के बाद नोटिफिकेशन आए या दो मंथ के बाद आ जाए तो ये दो महीने आप वापस नहीं लेके आ सकते हो ट्रस्ट मी जो अभी के दो महीने हैं अक्टूबर नवंबर ये काफी ज्यादा डिसाइडिंग मंथ्स होंगे कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो किस लेवल तक जाएगी एंड देन फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो कैसा आने वाला है इसीलिए ये जो मंथ्स हैं अक्टूबर नवंबर इसमें अपनी जी जान लगा दो अपना जो सिलेबस है वो इन दो मंथ्स में जितना आप कवर कर पाओ कवर करने की कोशिश करो अब और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का अक्सर डाउट रहता है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेके एस एग्जाम्स ठीक है तो मेरे पास स्टूडेंट्स की दो कैटेगरीज आती हैं वो जो ऑलरेडी जिन्हें स्टार्ट किया हुआ है एंड वो जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो अगर आपने स्टार्ट किया है या आप बिल्कुल ही बिगिनर हो बिगिनर और एडवांस्ड तो दोनों के लिए ये वीडियो रहेगा इम्पोर्टेंट तो आप सुनो कि आपको करना कैसे है आप पहले जो फर्स्ट एंड फोर्थ मोस्ट आपकी जो गाइडिंग चीज है वो सिलेबस होनी चाहिए ठीक है ऐसा नहीं हो आपका एग्जाम भी आने वाला है और आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है पहली चीज होगी सिलेबस को डाउनलोड कर लो और वो सिलेबस देखो अच्छे से समझो क्या आपसे पूछा रहा है अब आप सिलेबस आपने देख लिया ठीक है कोई एक कंपोनेंट स्टार्ट करो फॉर एग्जांपल आप जम्मू एंड कश्मीर वाला पार्ट स्टार्ट करोगे काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट ऑफ पेपर जो है आपका वो जेके के क्वेश्चन से भरा हुआ होता है तो आपको कैसे स्टार्ट करना है अब जेके को ब्रेक किया होगा हिस्ट्री होगा उसमें इकोनमी होगा कल्चर होगा जोग्राफी होगा ठीक है फिर आपका जेकेरी री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट होता है हर जगह फिर आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन होंगे तो आपको क्या करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं अगर आप हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो अभी आपको क्वेश्चंस याद नहीं करने ठीक है थीके? आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं उससे यू विल गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ठीक है ना तो आप क्या करोगे आप पुराने क्वेश्चन देखोगे तो हिस्ट्री के फॉर एग्जांपल हम हिस्ट्री की बात करते हैं अगर आपने हिस्ट्री से पी वाई हिस्ट्री के पी वाई क्यूज़ देखे तो यू विल गेट एन आइडिया कि आपको डायनेस्टीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट मीनस कोई कोई डेट्स भी आपको याद रखनी होंगी कोई इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ वगैरह अगर कभी साइन हुई है वो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए कोई एक स्पेसिफ़िक इवेंट ठीक है जो किसी एक डायनेस्टी के टाइम पे हुआ है या कोई एक मोनोमेंट अगर किसी रूलर ने बनाया है कोई specific कोई स्पेसिफिक चीज अगर फीमेल रूलर रही है, तो ऐसे सारे क्वेश्चन पूछती है अब आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाने हैं जो आपको लगेगा पी वाई क्यू से देख के अच्छा मुझे डायनेस्टीज पता होनी चाहिए क्रिनोलॉजी ट्रीटीज मोनोमेंट्स फीमेल रूलर्स वगैरह कोई स्पेसिफिक इवेंट्स किसी एक रूल uh, किसी एक पीरियड टाइम लाइन में स्पेसिफिक इवेंट जैसे मुगल्स के टाइम पे कोई स्पेसिफिक चीज हुई सुल्तान्स के टाइम पे कोई स्पेसिफिक चीज हुई वो ठीक है अब आपको क्या होगा अब आप वॉन्डर नहीं करोगे एमलेसली अब आपके पास एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपको काम करना है फिर आपको क्या करना है अब आपको स्टार्ट करना है पढ़ना ठीक है तो फिर डायनास्टी से स्टार्ट कर लो क्रोनोलॉजी फॉलो करो अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो ठीक है जोग्रफी पढ़ रहे हो तो अकॉर्डिंगली आप स्टडी करो अब ये बात है कि ये सारी चीज़ों में अगर आप बिगनर हो तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा एंड आपको रिसोर्स रिसर्च करने होंगे उसके लिए आप क्या कर सकते हो अगर आप ख़ुद से पढ़ रहे हो एंड आपको कोई बुक नहीं खरीदनी या मतलब तो आपको रिसर्च करना है और इंटरेस्टेड कि आप ख़ुद से ढूंढो सारी चीज़ें तो आई वुड सजेस्ट कि आप गवर्नमेंट वेबसाइट्स जाके देखो गवर्नमेंट वेबसाइट हमारे पास कितने हैं 20 हैं तो ट्वेंटी डिस्ट्रिक्ट की जो गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन है आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट मिलेगी जैसे वहाँ पे श्रीनगर जम्मू उधमपुर रियासी रजौरी पूछ ठीक है हर डिस्ट्रिक्ट की इन्फॉर्मेशन है तो आपको वहां से हर डिस्ट्री डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री मिल जाएगी हर डिस्ट्रिक्ट का आपको टूरिस्ट प्लेसेस मिल जाएंगे तो जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं या अगर कोई एनसीआर आप पढ़ रहे हो जैसे इकोनॉमी वगैरह के लिए ठीक है जेके की इकोनॉमी के लिए आप वो एनसीआर फॉलो कर सकते हो तो ऐसे करके आप अपने रिसोर्सेज हैं मतलब बना सकते हैं ना आपको काफी ज्यादा रिसर्च करनी होगी हिस्ट्री के लिए स्पेशली अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको काफी रिसर्च करनी होगी तो वो सारी चीजें करके आप अपने नोट्स बनाओगे एंड फ्रेमवर्क क्या रखोगे अपना सिलेबस आपको तो जेके हिस्ट्री पूछ लिया ना आपको स्पेसिफिक कोई एक टाइम नहीं दिया है तो हिस्ट्री में जो भी आप पिछले सालों में देखो दस पंद्रह सालों में कैसे क्वेश्चन आए थे वहां से करके अपना एक टाइम टेबल अपना एक सिलेबस हिस्ट्री का बनाने की कोशिश करो ठीक है फिर उन पे अब आपको पता है जैसे मुगल्स के बारे में क्वेश्चन आता है तो मुगल रूल इन जे के वो रिसर्च करो उस पर क्या क्या था कौन कौन से रूलर्स आए उन्होंने क्या क्या काम किए ठीक है अब अगर ये सारी चीजें आई नो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जिसके लिए पॉसिबल है वो कोचिंग ले इसके साथ ही हमारे दूसरे इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा इस कोचिंग नेसेसरी अब क्यों है कोचिंग नेसेसरी इस एग्जाम में क्योंकि ये वाली जो चीजें हैं ये ऑल दो अगर आपके पास टाइम है या किसी ने कर ली है या वो चाहता है मैं खुद से करूँ देन इट्स फाइन लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट नाइनटी एट्टी टू नाइनटी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट जिनके लिए ये रिसर्च करना काफी एक्सटेंसिव हो जाता है खास के अगर उनके पास कोई गाइड नहीं है ठीक है तो आपको क्या करना है अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कोचिंग ज्वाइन करो आप ऑनलाइन कोचिंग भी हर जगह प्रोवाइड हो जाती है आप करंट करंट क्रंच ऐप डाउनलोड कर सकते हो वहां पे मेरे सारे कोर्सेज हैं उसमें से जो कोर्स आपके लिए है आपके रिलेटेड तो यू कैन परचेज दैट एंड अभी मेरी जेके की बुक भी आ रही है जिसमें आपको सारा जो मैं यहाँ पे अभी तक बोल रही थी वो सारी चीजें उस बुक में है आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको सारे टूरिस्ट प्लेसेस का पता चलेगा आपको जेके की हिस्ट्री इकॉनमी जोग्रफी जेके री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट फ्लोरा फ्लोराफोना क्लाइमेट वेदर सॉइल्स सारे जितने भी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो उस बुक में है उस बुक में आपको पी भी मिल जाएंगे प्लस उस बुक में आपको मिलेंगे एक्सपेक्टेड एम एक्सपेक्टेड एम ठीक है जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हैं और वो एक्सपेक्टेड एम किसके बेसिस पे बने हैं जिस उस बेसिस पे जिस हिसाब से जेके एस भी आपको क्वेश्चन पूछती है फाइन तो अब जो एडमिट है कि नहीं मैम आपकी बुक भी नहीं लेनी आपका कोर्स भी नहीं लेना हमें खुद ही सब कुछ करना है तो देखो तरीका ये है ठीक है पी वाई क्यूज में जाओ देखो सिलेबस क्या है हर कॉम्पोनेंट का सिलेबस बनाने की कोशिश करो एंड देन स्टार्ट रिसर्चिंग एंड मेक योर ओन नोट्स अब आपको पता है टूरिस्ट प्लेसेस आते हैं फॉर एग्जाम्पल ये आपको पता है कि मोनोमेंट्स ठीक है इन पे क्वेश्चन आते हैं तो देखो कौन से मोनोमेंट्स हैं वो किस किंग से रिलेटेड हैं वो सारी बातें वो गवर्नमेंट वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी उनके खुद शॉर्ट नोट्स बनाओ फाइन अब जो मैं बुक लेके आ रही हूँ उसमें सारी चीजें हैं प्लस उसमें एक चीज मैंने ऐड की है जो चीजें काफी ज्यादा एक्सटेंसिव हैं जैसे यही आपके काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस हैं काफी डिस्ट्रिक्ट्स है, की इंफॉर्मेशन है वो आपको मैंने साथ साथ उसकी एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन भी दी है जो कि इजी करेगा आपको ये चीजों को रिवाइज करना एग्जाम के टाइम पे ठीक है तो ये हो गया हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेके एस एस बी तो क्या मैं आपको बोल रही हूँ अब ऐसे ही आप क्या करोगे आपको इंडिया वाला कॉम्पोनेंट स्टार्ट करना है तो इंडिया का सिलेबस देखो क्या क्या है फिर इंडिया का जो है वो आपको नेट पे काफ़ी इजीली मिल जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट हर स्टेट के एग्ज़ाम के जो एग्ज़ाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो उस पर आपके लिए कंटेंट फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है वो ईज़िली आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नेट पर अवेलेबल नहीं होती है ऐसे ही सेम अब मैं सब मेथड फॉलो करोगे फॉर एग्जांपल जोग्रफी आपको पढ़ना है इंडियन ज्योग्राफी तो आप उसके लिए एनसीआर टी एंड ट्वेल्थ कंसल्ट करोगे हिस्ट्री पढ़ना है तो वो आपको या तो जो आप वीडियोस फॉलो करोगे मेरे उसमें मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर देती हूँ अगर आपको वीडियोस नहीं लेने हैं तो आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा जो भी टॉपिक सर्च करोगे फॉर एग्जांपल आपको फ्रीडम स्ट्रगल पूछा गया है तो आप सर्च करोगे नेट पे फ्रीडम स्ट्रगल यूपीएससी तो आपके पास जरूर कोई पीडीएफ ऐसा आ जाएगा जिसमें आपको सारे important relevant points मिल जाएंगे। लेकिन again I would suggest कि आप course ले लो, वो वो आपके लिए काफी beneficial रहेगा क्योंकि जो है, जेके एस एस बी एग्जाम्स ठीक है ये हो गया ना थर्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर ओनली एमसीक्यू सफिशिएंट तो मैंने काफी चीज देखी है काफी लोग जो हैं देर गोइंग क्रेज़ी कि हम वो क्रेजिल सिर्फ एम सी क्यू सोल्व कर रहे हैं हमें हज़ार एम सी क्यू हमारा टारगेट है दो हज़ार तीन हजार चार हज़ार पाँच हज़ार एम सी क्यू सॉल्व करना अब देखो सिर्फ एम सी क्यू सॉल्व करने से आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो जब तक आपने टाइमली रिवाइज नहीं किया हो हाँ एम सी क्यू सॉल्व करने में अगर आपने इतने सारे एमसीक्यू कर लिए तो पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आप क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन कर पाओ एग्जाम अगर दो घंटे का है तो दो घंटे आपके वेस्ट नहीं होंगे एक घंटा आप एटलीस्ट बैठ पाओगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे लेकिन जो लेवल क्वेश्चन का आ रहा है कॉम्पिटिशन जितना इंक्रीज हो रहा है ठीक है कट ऑफ जितना हाई हो रहा है सिर्फ एम पढ़ने से आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई नहीं होगा ये चीज आप लिख लो तो एमसी क्यूज आपको सॉल्व करने हैं मैं ये नहीं कह रही एमसी क्यू सोल्व नहीं करने हैं लेकिन वो सॉल्व करने से पहले आपको जो सिलेबस है उस पर अपना होल्ड जो है वो इंक्रीज करना है ठीक है अब हाउ टू मेक नोट्स देखो नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है अक्सर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रहती है कि उनको लगता है कि जो उनमें पढ़ा फिर वो सारा वो लिखेंगे तो नोट्स काफी बल्कि हो गए हैं वो बल्कि नोट्स देख देख के फिर आपका दिल नहीं करता कि आप अगेन वो नोट्स को रिवाइज करो या वो नोट्स उठाओ तो इसीलिए मैं आपको एक तरीका बोल रही हूँ नोट्स बनाने का क्या होता है फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेज पढ़ा ठीक है अभी आप कुछ नहीं लिखोगे डोंट राइट एनीथिंग ऑन ये पेपर ये आप पेज पढ़ रहे हो एंड जस्ट इमेजिन कि ये आपका कॉपी का पेपर है ठीक है आप थ्री फोर टाइम्स ये पेज पढ़ोगे थ्री फोर रीडिंग्स हो गई थ्री फोर रीडिंग्स में अब क्या होगा जो भी पेज में लिखा है वो इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आने लगी होगी चीज़ें रजिस्टर हो गई होंगी आपके दिमाग में अब क्या करोगे क्लोज दिस पेज प्लीज आपने पेज आपने बंद कर दिया उसके बाद अपने पेपर जो है नोटबुक वो निकालोगे एंड जस्ट ट्राई टू रिकॉल आपको क्या क्या याद रहा है अपनी मेमोरी से वो चीज़ें निकालने की कोशिश करो अब आप अभी पेज की तरफ नहीं देख रहे हो आपने फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की कोई चीज़ पढ़ी है या आपने जोग्राफी पढ़ा है ठीक है आपने रिवर्स के नाम पढ़े आपने लेक्स के नाम पढ़े जो जो चीज़ आपको खुद से याद रह गई है वो वो यहाँ पे लिखो उसके बाद ये एक्सरसाइज हो गई फिर फिर से अपने नोट्स खोलो एंड देखो जहां पे इंफॉर्मेशन थोड़ी ऐड करने वाली होगी वो ऐड कर लो ये तरीका होता है नोट्स बनाने का जो सैडली यहाँ पे किसी को नहीं पता यूजुअली बच्चे क्या करते हैं एक बार रीड किया सामने नोट रखा और वो देख के कॉपी करके अपना नोट बना रहे हैं तो यू एंड अप प्रोड्यूसिंग अनादर बुक फ्रॉम योर ओरिजिनल बुक तो उसका कोई फायदा नहीं आता है एग्जाम्स में ठीक है तो रिविजन का तरीका होता है कि जो आपके दिमाग में रजिस्टर हो गई है चीजें वो अपने दिमाग से निकालना बिना सोर्स को दोबारा देखे फिर ऑब्वियसली बाद में आप सोर्स को देखोगे कोई इन्फॉर्मेशन जहाँ पे ऐड करनी होगी वहां करोगे फिर आप बाद में इन नोट से रिवाइज करोगे चीजें और रिपीटेडली रिवाइज थर्ड डे सेवेंड डे आप ये चीजें रिवाइज सारी करते रहोगे मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया था हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली वो आप मेरे जो है मेरी यूट्यूब चैनल पर अलग से देख सकते हो ठीक है हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली क्रंच करके सर्च कर लेना तो उसमें काफी साइंटिफिकली प्रूव मेथड जो मैंने आपको बताई है रिवाइज आप कैसे कर सकते हो तो ऐसे करके आप नोट्स बनाओगे नोट्स कॉम्प्रिहेंसिव बनेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आपके जो नोट्स हैं वो आपकी जो इंफॉर्मेशन स्टोर हुई थी खुद से आपके दिमाग में वो वो नोट्स उस इंफॉर्मेशन से बने हैं ना कि सिर्फ आपकी आंखों ने जो देखा है उससे बने आपके दिमाग के नोट्स है या जो आपके ब्रेन से इन्फॉर्मेशन निकली है तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कभी नहीं भूलेगी ये बेस्ट तरीका है नोट्स बनाने का और यही एक तरीका है नोट्स बनाने का ठीक है तो इससे क्या होगा आपको नींद भी नहीं आएगी क्योंकि आप पढ़ रहे हो जब पढ़ के थक रहे हो फिर आप लिख रहे हो लिखने से नींद नहीं आती ठीक है थीके? आप एक्टिव रहोगे ऑल आपको लगेगा कि टाइम लग रहा है लेकिन ट्रस्ट मी लॉन्ग रन में यही काम आएगा अभी अगर टाइम लगेगा इस एक्सरसाइज में लेकिन एग्जाम से पहले नोटिफिकेशन आ गई होगी सब कुछ आपके पास लॉड्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगा प्रोसेस करने के लिए तब be the winner. तब आप मुझे दुआएं दोगे कि आपको कितनी अच्छी बात बताई कैसे बनाते ठीक है है अब आगे देखते हैं ये शायद मैंने बीच में कहीं कहीं बता दिया तो अभी मेरी जो बुक आ रही है, वो की जम्मू एंड कश्मीर वाले कॉम्पोनेट की है जिसमें हम जेके की हिस्ट्री इकॉनमी जोग्राफी कल्चर टूरिस्ट सारी डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन वो सारा इसमें इंक्लूडेड प्लस इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं प्लस इसमें एक्सपेक्टेड एम सी क्यूज हैं जहाँ जहाँ पे इंफॉर्मेशन से मैंने आप अगर थोड़ी एक्सटेंसिव हो जाती है तो वहाँ पे टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में चीजें हैं ताकि ईजिली आप उनको रिवाइज कर सको एग्जाम से पहले ठीक है तो ये जो बुक है उसके लिए बेस मैंने गवर्नमेंट रिसोर्सेज को बनाया है गवर्नमेंट वेबसाइट्स को टूरिस्ट प्लेसेस पी वाई क्यूज में जैसे आए हैं जिस तो टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी रिसर्च के बाद बना है ये एक्सरसाइज अगर आप खुद करो इट विल टेक यू सिक्स मंथ्स तो वो सिक्स मंथ्स आपके बचाने के लिए आपको क्या करना है ये बुक आपको लेनी है और इससे आपको बस पढ़ना शुरू करना है फाइन ये कॉम्प्रिहेंसिव बुक है ऐसी बुक मार्केट में एस की कोई नहीं आई है और ना ही इसके बाद आपको कोई और बुक खरीदने की ज़रूरत है जम्मू एंड कश्मीर के लिए ठीक है तो जैसे मेरी ये वाली बुक कंप्लीट होती है पब्लिशर के पास जाने वाली है वैसे ही मैं इंडिया की जो इंडिया का पार्ट आता है जेके एस में उस पर भी जल्दी बुक लाने की कोशिश करूंगी ठीक है तो तब तक आपको क्या करना है आपको करंट क्रांच ऐप डाउनलोड करनी है एंड वहाँ पर जितने सारे कोर्सेज़ हैं मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी ऐप की आप सारे कोर्सेज वहाँ देख सकते हैं अभी करंटली के ए एस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं एक फ्री टेस्ट भी है टेस्ट सीरीज का ठीक है के एस का तो वो भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन मेरी ऐप पे मिल जाएगी कोई अगर आपको आ, कुछ इशू है या आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सेवन डबल जीरो डबल सिक्स डबल सेवन डबल टू फाइव पर ये मेरा नंबर है या आप मुझे मेल कर सकते हैं करंट क्रंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है सो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो ब बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे